नमस्कार दोस्तों, जसीडेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीकली कार्यक्रम में आप लोगों को मालूम है, हम निफ्टी पर चर्चा करते हैं कि अगले हफ्ते किस तरह से निफ्टी चल सकता है, निफ्टी की क्या है स्थितियां, निफ्टी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की क्या है स्थितियां, उन पर करते हैं चर्चा। आइए सबसे पहले निफ्टी के वन डे के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का वन डे चार्ट क्या कह रहा है। आप लोगों ने देखा कि फ्राइडे को, पहले तो फ्राइडे की बात कर लेते हैं, फ्राइडे को 22,537 22,537 पर हाई लगा है और अभी तक 22,619 का ऑल टाइम हाई लगा है जो थर्सडे को लगा था। ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, जबकि आपको मालूम है कुछ एक स्टॉक्स पिछले हफ्ते ऐसे थे, आईसीआईसीआई बैंक शायद फ्राइडे से पहले या फ्राइडे को भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, रिलायंस भी वीकनेस दिखा रहा था लास्ट वीक में, बट एक स्टॉक ऐसा था जो कि था एचडीएफसी बैंक, और थर्सडे फ्राइडे को एक और स्टॉक ने भी उसको सपोर्ट किया, वो था कोटेक बैंक। उन इंफोसिस, इन सब की तेजी के कारण आपको थर्सडे को जो तेजी दिखी और इवन फ्राइडे को भी जो ग्रीन में कामयाब हुआ क्लोज होने में, ग्रीन में भी ये कहूंगा कि जहां पर हम क्लोज हुए थे वहीं के वहीं पर थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लगभग लगभग बिल्कुल 0% चेंज है, कुछ चेंज है ही नहीं, थर्सडे जहां खुले वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। अब जरा हम लोग एक बार को देख लेते हैं कि निफ्टी के एमास पर क्या कहते हैं, एमास की बात करते हैं तो निफ्टी नॉट एमा के ऊपर है। आपने देखा साहब, थर्सडे 4 अप्रैल को नॉट एमा टेस्ट किया, नॉट एमा से ही किस तरह से बाउंस लेकर ऊपर को गया है, इसीलिए लास्ट वीक भी यही कहा गया था दैट निफ्टी इज बाय एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी। लोग कह रहे थे सेल, अगर याद हो आपको तो 1 वीक का चार्ट अगर हम देखेंगे तो लास्ट वीक मैंने क्या देखा था, क्या बताया था कि भाई फुल बुलिश कैंडल बनी है, लास्ट वीक की वीकली कैंडल फुल बुलिश बनी थी और वही फुल बुलिश कैंडल ने इस बार भी अपना काम बखूबी किया है, बखूबी इस हफ्ते भी काम करती हुई दिखी है। हाँ, इस बार की जो कैंडल बनी है उसको कह सकते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल वीकली चार्ट पर जरूर बनती हुई दिखी है, लेकिन वन डे के चार्ट पर भी ऐसा कहूं ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि ऊपर जो विक है, स्पिनिंग टॉप अगर होती तो ऊपर को भी अच्छी खासी विक चाहिए, नीचे भी विक चाहिए, ऊपर को विक इतनी बड़ी नहीं बनी हुई है, तो क्या कोई रिवर्सल का साइन नजर आ रहा है निफ्टी में? कम से कम ऐसा तो मैं नहीं कह रहा कि कोई रिवर्सल का साइन दिख रहा हो मुझको। अब देख लेते हैं कि आरएसआई पर क्या है स्थितियां। आप लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा ही है कि बैंक निफ्टी की स्थितियां ऐसी हैं कि अब वो ओवरबॉट जोन में डेली चार्ट पर चला गया है, लेकिन निफ्टी 50 में ऐसा नहीं कह सकते, निफ्टी 50 अभी भी ओवरबॉट से दूरी है, अभी भी ओवरबॉट जोन में ये नहीं आया हुआ दिखता है। अगर हम फ्राइडे की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि कौन कौन से, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, कोटेक बैंक और एचडीएफसी बैंक का ही दारोमदार रहा जो इतनी तेजी आपको लास्ट वीक देखने को मिली है, खास करके एचडीएफसी बैंक का दारोमदार था जो आपको तेजी देखने को मिली। एसबीआई लाइफ भी तेज चल रहा था, तेज चल रहा था बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी लाइफ भी, वहीं ग्रैजिम पिटा है, ग्राजिम 2% पिटा फ्राइडे को, अल्ट्रासेम को भी पिट रहा था, लार्सन टूब्रो भी पिट रहा था, पिट रहे थे बजाज फोटो और भारती एयरटेल भी। अब जरा एक बार को दोबारा से चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जो निफ्टी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या स्थितियां हैं। एचडीएफसी बैंक, हालांकि चार्ट निकाल रहा हूं लेकिन कुछ कहने की जरूरत है क्या, आपके सामने है एचडीएफसी बैंक की स्थितियां। एचडीएफसी बैंक जबरदस्त जबर जंग चला हुआ है ऊपर की ओर, तेजी से दौड़ रहा है, जहां पर भी कोई शॉर्ट करने की कोशिश करता है वहीं से आ जाती है उसको शॉर्ट करने वाले को दिक्कत। अब एक चीज याद रखिएगा कि जरा डेमास पर जब हम इसको देखते हैं तो अब हम सभी इंपॉर्टेंट डेमास के ऊपर जाकर क्लोज होने में कामयाब हुए हैं फ्राइडे को, बट जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक बार को कंसोलिडेशन का फेस आ जाता है, 2-1 दिन कंसोलिडेट कर सकता है। कारण क्या है, आप ये देखिए कि 200 डीमा के ऊपर है लेकिन उसके नीचे 100, 50, 20, 9 सब नीचे, या तो अब ये 9 डीमा, 20 डीमा, 50
ऊपर आ जाएं उसके बाद अब ये तेजी दिखाएगा। तब तक हो सकता है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेस में एक बार कोई स्टॉक रह सकता है। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं, बिल्कुल जबरदस्त 9 डे वहां पर क्लोजिंग दे रहा है। बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटजी इस पे भी अच्छी भली काम करती हुई दिखाई दे रही है। कोटेक बैंक, पहले तीनों ही मैंने स्टॉक्स जो लिए हैं बैंकिंग के लिए हैं। कोटक बैंक अभी भी यहाँ पर ठीक है कि फ्राइडे को एक बहुत शानदार इसने अपसाइड का मूव दिखाया, 2.25% के करीब तेजी दिखी है। लेकिन अभी भी ये, जब तक लास्ट वीक भी अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि 1800 के ऊपर जब तक 2 क्लोजिंग्स नहीं देता तब तक मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा बुलिश नहीं हूंगा। अभी भी मैं वही बात कह रहा हूँ, 1800 के ऊपर जब तक ये 2 क्लोजिंग्स नहीं देता तब तक ये कितना सपोर्ट करेगा निफ्टी 50 को कहना मुश्किल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको मैं कहता हूँ हाथी, हाथी के पाँव में सबका पाँव। अब आपने देखा कि बैंक निफ्टी फ्राइडे को बहुत शानदार चला, निफ्टी में वैसी मूवमेंट नहीं दिखाई दी। उसका कारण क्या था? जबकि एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा था, कारण उसका ये था कि अब 2 क्लोजिंग्स 20 डेमा के नीचे रिलायंस ने दे दी है। क्या ये वीकनेस का साइन है? जी हाँ, ये एक वीकनेस का साइन बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ये वीकनेस है, ऐसा कह सकते हैं। चार्ट को देखकर कह सकते हैं, डेमास को देखकर इस चीज को कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसने फ्राइडे को थर्सडे का लो नीचे के लिए नहीं काटा है। लेकिन अब जब तक ये 2940-41 के ऊपर चलना स्टार्ट ना हो जाए, जब तक वहां पर कम से कम 2 दिन क्लोजिंग ना दे दे, तब तक मैं तो कम से कम यही सोच रहा हूं कि ये एक वीक हो गया है, स्टॉक वीकनेस आ गई है। हालांकि आपको पता है कि कभी भी रिवर्सल अपसाइड का दे दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। आइए देखते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प क्या कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, कुछ लोग कहते हैं कि साहब इसका इतना वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी जी हाँ, वेटेज जरूर कम हो सकता है, लेकिन भाई टॉप स्टॉक है ये, तय करता है दशा और दिशा ऑटो सेक्टर की। 50 डेमा पर सपोर्ट ले रहा है, अगर 50 डेमा के नीचे टूटता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा सकता है, लगभग लगभग 4200 तक का। तो अभी अगर टूटा 50 डेमा तो दिक्कत दे सकता है। यहाँ से बाय ऑन डिप्स पे बिल्कुल भी नहीं है, ये सेल ऑन बाउंस की स्थितियां बनी हुई हैं हीरो मोटोकॉर्प पे। चल लेते हैं इन्फी पे। इन्फी ने भी पिछले हफ्ते थोड़ा ठीक ठाक काम किया है, कुछ कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेने की। जब मैं कह रहा हूँ ठीक ठाक काम किया है, इसका मतलब है कोशिश कर रहा है कुछ सपोर्ट लेने की। लेकिन अभी भी वीकनेस वीकनेस इंफोसिस पे बनी हुई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब अब बैंकिंग शायद थोड़ा ऑल टाइम हाई लगाने के बाद आराम ले सकता है। मैं ऐसा फील नहीं करता हूं। और लोग कहेंगे कि बैंकिंग आराम लेगा और आईटी चलना शुरू हो जाए, चलना शुरू हो जाए वो अलग बात है, वो मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स हो जाए वो अलग बात है। लेकिन इन्फी अभी भी वीक है। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस शोइंग सम पार, बट अभी भी 9 डेमा, 20 डेमा, 50, अभी भी 50 डेमा, 20 डेमा सबसे ऊपर है, 9 डेमा नीचे है, तो अभी भी यहां पर कंफ्यूजन बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड जो है, आपको पता है एफएमसीजी सेक्टर का महानतम स्टॉक्स में से एक है। ये भी अभी भी मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, किसी भी तरफ एनी वेयर इट कैन गो। लेकिन हाँ, अगर ये 430-31 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो एक अपसाइड का मूव जरूर दिख सकता है। हालांकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैं कुछ ज्यादा वो कुछ करता नहीं हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी स्लो मूविंग स्टॉक। हिंद यूनिलीवर इज वीक, इट इज लुकिंग वेरी वेरी वीक। क्या कंजम्पशन कम हो रही है? मार्केट ऊपर जा रही है और हिंद यूनिलीवर नीचे जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? ये थोड़ा देखने का मसला है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के लेवल्स की मंडे के लिए। जब हम निफ्टी 50 के लेवल्स की बात करते हैं तो निफ्टी 50 फर्स्ट थिंग इज इट इज बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स की स्थिति बनी हुई है। आइए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या रह सकते हैं लेवल्स। दोस्तों 22537 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक हम बाय साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट लेवल विल बी 22567, देन वी माइट बी एबल टू सी 22598-599। उसके बाद 22619, 22619 अभी तक का ऑल टाइम हाई है, और उसके बाद 22647-48, 22647 तक के लेवल्स देखने को हो सकते हैं हमको प्राप्त।
डाउनसाइड की बात करेंगे तो अगर 22,444 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, 22,444 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से डाउनसाइड का एक रुख हो सकता है जो कि हमको 22,408, 22,408 और 22,360 तक के लिए लेके जा सकता है डाउनसाइड पर। ध्यान दीजिएगा, कंसोलिडेशन आ सकती है HDFC बैंक में, थोड़ा ध्यान से कार्य कीजिएगा। रिलायंस वीक हो चुका है दोस्तों, याद रखिए कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी बातचीत यहाँ की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड दोस्तों सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। गुड लक एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।